गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महिला महाविद्यालय ऑनलाइन चैनल पर आज मेरी क्लास समाजशास्त्र में बीए पार्ट थर्ड का सामाजिक तथ्य का जो बिंदु चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज की मेरी क्लास में सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद, ये टॉपिक रहेगा। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा दुर्खी में दी है उसकी व्याख्या करने के नियम भी इन्होंने विकसित किए जो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम किन तथ्यों को सामान्य तथ्य माने और किन तथ्यों को व्याधिकीय या पैथोलॉजिकल तथ्य माने, इसकी विवेचना आवश्यक है। सबसे पहले दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसके अंतर्गत जो व्याधिकीय और सामान्य तथ्यों में भेद करने का जो नियम बताया है वो तीसरे अध्याय के अंदर, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है। इन्होंने जो सामान्य और व्याधिकीय तथ्य हैं उनकी जो विवेचना की उसके अंतर्गत दो आधारों का प्रयोग किया है। पहला तो है प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा है उपयोगितावादी का आधार। इन्होंने सामान्य और व्याधि के तथ्यों को दो आधार पर परिभाषित किया, मान्य स्तर के अनुरूप और दूसरा है मान्य स्तर से भिन्न। इसका आशय है वे तथ्य जो समाज के अंदर सामान्यतः पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोग उद्विकासी प्रक्रियाओं में एक निरंतर गतिशील परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सामान्यतः साधारणतः जो तथ्य पाए जाएं व्यक्तिगत चेतना से परे, जिसमें सामूहिक चेतना का अंश होता है, इसे हम साधारणता वाले बिंदु की दृष्टि से मान्य स्तर के अनुरूप तथ्य मान सकते हैं। दूसरा जो है मान्य स्तर से भिन्न, जैसे हमने कहा कि साधारण होने चाहिए और कोई घटना यदा कदाई घटे तो उसका आवर्ती क्रम टूट जाए, कहीं कहीं किसी विशिष्ट समाज में ही पाई जाए, तो उसे हम मान्य स्तर के अनुरूप नहीं मानेंगे, उससे भिन्न माना जाएगा। अब दुर्खीम ने जो प्राणी शास्त्रीय आधार पर सामाजिक तथ्य की व्याख्या की है, उन्होंने कहा कि पीड़ा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर सहानुभूति या सहानुभूति के आधार पर पीड़ा का अंदाजा लगाता है, पीड़ा के संदर्भ में अपनी व्याख्या करता है, जहां दूसरे के दुख को देखकर दुखी हुआ उसके लिए सामूहिक चेतना विकसित हुई। इसका अर्थ है वो सामान्य सामाजिक तथ्य की ओर एक कदम आगे बढ़ रहा है। ठीक इसी प्रकार जीवनदायी शक्तियाँ और जीवित रहने की संभावना, ये दो ऐसे मुद्दे दुर्खीम ने बताए कि एक व्यक्ति किसी समाज में रहता हुआ अपनी जीवनदायी शक्तियों के माध्यम से, जैसे अर्थोपार्जन, मनोरंजन, धार्मिक क्रियाएँ, अपने सामाजिक सहवास के अंतर्गत लोगों के साथ अंतर संबंध बनाने की प्रवृत्ति, ये ऐसे स्तर है जो व्यक्ति को जीवनदायी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, उसको एक सक्रिय इकाई के रूप में स्थापित करने में मदद करते हैं। जीवित रहने की संभावना का आशय यहाँ पर है कि प्राणी शास्त्रीय आधार पर यदि सब कुछ नियमों की परिधि में व्यवस्थित रूप से होगा, इसका आशय है कि वहाँ एक अनुकूल जीवन की दशाएं बन रही हैं, वहाँ जीवन शक्तियों का संचार हो रहा है और जीवित रहने की संभावना बढ़ रही है। इस आधार पर प्राणी शास्त्रीय रूप में इन्होंने सामान्य और व्याधिकीय में भेद किया। दूसरा, उपयोगितावादी दृष्टिकोण जो है ये इस बात का संकेत करता है कि वो तथ्य समाज के बहुसंख्यक लोगों के लिए कितना उपयोगी होगा, उसके आधार पर इसकी चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ उपयोगिता नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों में कही जा सकती है। चोरी, अब चोरी एक व्याधि के तथ्य है, व्याधि मूलक तथ्य है सामान्य भाषा में, लेकिन दुर्खीम कहता है कि चोरी तो हर समाज में पाई जाती है। अगर यांत्रिक या आदिम समाज की हम चर्चा करें तो वहाँ पर भी कुछ लोग चोरी करके अपना जीवन यापन करते थे, चोरी को परंपरागत हिस्सा माना गया, यानी वो साधारणतः उस समाज में पाया जाता है। तो दुर्खीम के पैरामीटर के अनुसार इसे हम सामान्य तथ्य ही कहेंगे, क्योंकि सामान्यतः वो पाया जाता है। लेकिन यदि हम दूसरा उदाहरण देखें, कोई विशिष्ट प्रकार की विवाह के अंदर परंपरा हो
कि दूल्हा दुल्हन के सर पर एक स्वर्ण आभूषण वो जूड़े में लगाए। अब ये हो सकता है उस पर्टिकुलर समाज की कोई परंपरा रहा हो, तो ये वहाँ नहीं पाया गया है, इसका कोई नकारात्मक तथ्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसे व्याधिक यह माना जाएगा क्योंकि तो सामान्यतः यह परंपरा के रूप में नहीं है। आप इसे यूँ भी समझ सकते हैं कि किसी भी विवाह पद्धति के अंतर्गत माल्यार्पण करना, विजय माला पहनाना, ये चाहे पारसी समाज हो, चाहे ब्रिटिश समाज हो, या भारतीय समाज हो, या जापानी समाज हो, कहीं ना कहीं माला पहनाने की जो रस्म है वो एक सामान्य रूप से साधारणतः पाई जाती है। अब जब ये साधारण रूप से पाई गई इसका मतलब ये सामान्य सामाजिक तथ्य है, लेकिन कंबोडिया के किसी समाज में यदि दूल्हा दुल्हन के जूड़े में एक स्वर्ण आभूषण वाली पिन लगाए तो ये तो उसी समाज का पर्टिकुलर एक सीमित दायरे में होने वाली रस्म हो गई, तो ये सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, तो इसे दुर्खीम अपने पैरामीटर में व्याधि के तथ्य मानेगा। अब प्रश्न उठता है कि व्याधि के तथ्य को हम कैसे विभाजित करें, तो सामान्य तथ्य संपूर्ण मानव जाति में विस्तार को प्राप्त होते हैं, सभी मानवीय समाज में उसकी परंपरा के रूप में, चाहे वो आधिकारिक घोषणा के रूप में या राजनीतिक प्रभुत्व के अंतर्गत उसको मान्यता मिलती है, जबकि व्याधि के तथ्य अस्तित्व मात्र लिए होते हैं, कहीं कहीं इसका अस्तित्व होता है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा जो दुर्खीम ने अपनी एक पुस्तक में दिया है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में। वो कहना चाहते हैं अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना प्रेम प्रदर्शन करने के लिए आलिंगन किया जाता है, चुम्बन लिया जाता है, ये वहाँ पर साधारण है। उस समाज में सभी लोग इसकी अनुपालना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष करते हैं, मगर भारतीय समाज में तो ये सामान्य नहीं है। तो भारतीय समाज के संदर्भ में चुम्बन लेना व्याधि के तथ्य होगा, जबकि अमेरिका के समाज में ये प्रचलन में है, तो ऐसी स्थिति में इसे हम सामान्य सामाजिक तथ्य कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा उदाहरण है अस्पृश्यता, जातिगत विद्वेष, संघर्ष, ये भारतीय समाज का एक लक्षण है। यहाँ पर छुआछूत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पाई गई, यहाँ के भारतीय समाज के प्रारूप में ये सामान्य सर्वत्र पाई जाने वाली अवधारणा है, इसे हम सामान्य सामाजिक तथ्य कहेंगे। दूसरी ओर यदि हम किसी दूसरे संदर्भ में देखें और वहाँ छुआछूत की व्याख्या जर्मनी में की जाए तो वहाँ शायद ये चीज़ नहीं होगी, तो वहाँ ये दुर्खीम के अनुसार व्याधि के सामाजिक तथ्य होगा। दुर्खीम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं किसी भी घटना के सामान्य तथ्य के रूप में पुष्टि करने के पीछे यह आशा लगाया जाता है कि ऐसे समाज जो कि साधारण है, पूर्वगत पद्धति के आधार पर चर्चा करते हैं और जिनका पूर्ण उद्विकास नहीं हुआ है, वो सामान्य तथ्य की परिभाषा के अंतर्गत सर्वत्र व्यापकता के रूप में अपनी मान्यता प्रदान करते हैं। दुर्खीम ने सामान्य और व्याधि की व्याख्या को अपराध के दृष्टिकोण से भी समझाया है। वो कहना चाहते हैं अपराध एक ऐसा तथ्य है जो सर्वत्र सभी समाजों में पाया जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि अपराध तो नेगेटिव है, क्राइम करने से तो अव्यवस्था बनती है, असंतुलन बनता है, फिर ये व्याधि के तथ्य होना चाहिए, ये सामान्य क्यों हो गया? दुर्खी में स्पष्ट कर देते हैं अपराध चाहे वो आदिम समाज हो, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, सावयवी समाज हो, उत्तर औद्योगिक हो या औद्योगिक हो, हर जगह अपराध पाया जाता है। विशिष्ट रूप में एक जनजाति है, वहाँ पर कोई व्यक्ति शराब के नशे में अगर किसी की वस्तु को बिना पूछे अपने घर ले आता है, ये भी एक अपराध का अंश होगा, यानी वहाँ व्यापक रूप से ये घटना पाई जाती है। अब ग्रामीण संरचना में देखा जाए मारपीट, जातीय वैमनस्यता के कारण संघर्ष, लड़ाई झगड़ा होना, चोरी कर लेना, ये भी एक क्राइम है, ये भी वहाँ पाया गया। आज हम औद्योगिक समाज जो वर्तमान मशीनीकरण वाला नगरीकरण वाला समाज है, इसमें हम देखते हैं कि चाहे वो बौद्धिक चोरी की गई हो, किसी की रचना को चोरी कर लिया गया हो, या फिर कोई व्यापारी के द्वारा ठगी की गई हो, किसी कॉरपोरेट लॉ का उल्लंघन करते हुए किसी ग्राहक के साथ ऑनलाइन ठगी की गई हो,
तो ये औद्योगिक समाज की विसंगति के रूप में अपराध होगा जो सर्वत्र व्याप्त है। ठीक इसी प्रकार उत्तर औद्योगिक समाज जो आने वाला समाज है, जो पूरी तरह मशीनीकरण पर निर्भर होगा, जहाँ परंपराओं की वैल्यू जीरो हो जाएगी और व्यक्ति अति आधुनिक होने का प्रयास करेगा, वहाँ भी तो अपराध की दस्तक हो ही सकती है। हो सकता है वहाँ प्रत्यक्ष वस्तु ने चोर कर व्यक्ति का डेटा हैक करके तकनीकी आधार पर चोरी की जा रही हो। तो यहाँ इस उदाहरण का आशय है कि सभी प्रकार की जो चार संरचना हमने बताई, आदिम समाज, ग्रामीण समाज, औद्योगिक समाज और उत्तर औद्योगिक समाज, इसमें अपराध तो है, सर्वत्र व्याप्त है, तो ये सामान्य सामाजिक तथ्य होगा। अब कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो कुछ स्थानों पर, यानी उसका अस्तित्व मात्र है, वो फैली हुई स्थिति में नहीं है, हर किसी के द्वारा उसका समर्थन नहीं है, ऐसी घटनाएं भी होती हैं, तो वो दुर्खिम व्याधि के तथ्य मानेगा। उदाहरण के लिए दक्षिणी अफ्रीका के अंदर एक न्यूर जनजाति पाई जाती है। अब उस न्यूर जनजाति में विवाह के संदर्भ में एक विशिष्ट प्रकार का प्रेत विवाह का स्वरूप पाया जाता है। अब हमारे भारतीय समाज में विवाह है, लेकिन विवाह में प्रेत विवाह का स्वरूप वहाँ पे नहीं पाया जाता। अब इस प्रेत विवाह के रूप में, या हम इसे कह दीजिए किसी व्यक्ति विशेष के रूप में, वहाँ न्यूर जनजाति में विशिष्ट क्या है? तो विशिष्ट ये माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, विशेष करके पुरुष, उसका विवाह अनिवार्य होगा। अगर उसका विवाह नहीं होता है तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ उस व्यक्ति की आत्मा भटकेगी। अब ये हास्यास्पद लग सकता है कि आज के ज़माने में आत्मा भटकने की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूर जनजाति में ऐसी मान्यता है। अब वहाँ क्या होगा, मान लीजिए किसी परिवार में दो भाई हैं और बड़े भाई का विवाह हो गया, छोटा भाई किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो उस बड़े भाई को छोटे भाई के नाम पर दूसरा विवाह करना पड़ेगा। वो उसकी पत्नी के साथ संसार करेगा, जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान को बड़े पुत्र, बड़े भाई की संतान नहीं माना जाएगा, बल्कि जो मृत हो गया है, जो प्रेत हो गया है, उसकी संतान माना जाएगा, और इस आधार पर बनने वाला परिवार प्रेत परिवार है। अब ये जो उदाहरण है, ये ना जर्मनी में पाया गया, ना अमेरिका में पाया गया, ना भारत के किसी आंचलिक पृष्ठभूमि में पाया गया, ये तो एक अस्तित्व मात्र में एक स्थान पर पाया गया है। तो ये यहाँ व्याधि के सामाजिक तथ्य होगा, क्योंकि इसका विस्तार साधारणतः सभी समाजों में नहीं पाया गया है। इसी संदर्भ में दुर्खिम कहते हैं कि जब हम अपराध के संदर्भ में इसकी व्याख्या को विस्तृत कर लेते हैं, तो कई लोगों के मन में भ्रम होता है कि अपराध तो व्याधि के तथ्य है, लेकिन इसे उन्होंने सामान्य तथ्य माना। सामाजिक तथ्यों की इस व्याख्या के अंतर्गत इन्होंने सभी प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं से मुक्त होते हुए तीन प्रकार की पद्धतियों की चर्चा की है, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और तुलनात्मक पद्धति। यहाँ ऐतिहासिक पद्धति और प्रयोगात्मक पद्धति को समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए इन्होंने अनुपयुक्त माना, और इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए कहा कि किसी भी समाज के अंदर जब हम सामान्य और व्याधि के तथ्यों की व्याख्या करते हैं, तो वहाँ तुलना करना जरूरी है। अब हमने यहाँ न्यूर जनजाति का जो अध्ययन किया, उसके संदर्भ में व्याख्या की कि न्यूर जनजाति के अंदर एक साइलेंट प्रेत परिवार पाया जाता है। अब इसकी भारतीय समाज से तुलना की तो हम समझ पाएंगे कि विवाह सामान्य सर्वत्र व्यापकता में पाए जाने के कारण सामान्य सामाजिक तथ्य है, और न्यूर जनजाति में जो विशिष्ट रस्म है, जो उसी स्थान विशेष पर पाई जाती है, ये व्याधि के तथ्य है। सामान्य और व्याधि के तथ्यों में भेद करते समय इन्होंने इसको उपयोगितावादी दृष्टिकोण के आधार पर जो व्याख्या की, यहाँ उसका उपयोगी होने का स्वरूप भी प्रमुखता से रखता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अर्थोपार्जन के लिए मेहनत मानदंडों के अनुसार, जो प्रतिमान समाज में स्थापित है उनके अनुसार कार्य करता है, तो उसकी एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में उपयोगिता है। उसके द्वारा किए गए कार्य को लोग सामाजिक परिस्थिति के रूप में, एक रेपो के रूप में उसे मान्यता प्रदान करेंगे। उसे इस अर्थ में देखा जाएगा कि यह व्यक्ति कितने महान कार्य कर रहा है और अपने जीवन यापन के लिए स्वीकृत मानदंडों की अनुपालना कर रहा है। मगर वही व्यक्ति अपने उस कार्य के अंदर ठगी, चोरी, धोखाधड़ी को शामिल कर ले, तो यहाँ उसकी इस सामाजिक पृष्ठभूमि में उपयोगिता शून्य हो गई, और इस स्थिति में दुर्खिम यह कहेगा कि
ये एक व्याधि के तथ्य की प्ररचना उसने निर्मित कर दी है। दुर्खिम जब अरुंधा जनजाति का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने धर्म के प्रकारवादी स्वरूप में एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अरुंधा जनजाति के लोग अपने समक्ष लकड़ी में आग जलाकर बैठ जाते हैं और वहाँ आग जलाने के बाद कुछ विशिष्ट प्रकार के पदार्थ उस आग में डालते हैं, उससे धुआं उत्पन्न होता है। ये धुआं जिस जिस स्थान पर जाएगा वहाँ वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ पवित्रता, एक सकारात्मक ऊर्जा का उदय होगा। अब ये आज के संदर्भ में तो काल्पनिक घटना है, लेकिन दुर्खिम इसे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसा करना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आप इसे ठीक इसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे हमारी हिंदू पद्धति के अनुसार हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, और उसके पीछे भाव क्या छिपा होता है कि जब हम समिधा डालकर हवन करेंगे वातावरण शुद्ध होगा और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और ये हमारे प्रश्न में पाया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ सामान्य तथ्य का प्रतीक होगा, मगर हम कोई विशिष्ट नवाचार का प्रयोग करें, कोई नई प्रकार की पद्धति डालने की कोशिश करें जो धर्म के अंदर मान्यता प्राप्त नहीं है। दुर्खिम ने अरुंधा में देखा कि वहाँ सभी लोग एक ही प्रक्रिया में भाग ले रहे थे और जो नहीं ले रहा था उसको दंड दिया जा रहा था, तो वहाँ व्याधि के तथ्य का प्रारूप था ही नहीं, वहाँ सामान्य रूप से साधारणतः सभी जनमानस उसकी अनुपालना कर रहे थे। तो इस तरह सामान्य और व्याधि के तथ्यों को हमें भ्रम की स्थिति में नहीं रखना चाहिए। समरी के रूप में हमें यह समझना है कि वे सामाजिक तथ्य जो व्यक्तिगत चेतना से परे साधारणतः पाए जाएं, उसका विस्तार सभी समाजों में हो, वो सामान्य होंगे, और जो यदा कदा किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही किसी व्यवहार की अनुपालना होती हो तो वो यहाँ व्याधि की है सामाजिक तथ्य के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे। दुर्खिम अपनी इस विवेचना के अंतर्गत सामाजिक तथ्य के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत देते हैं या जितने भी व्याख्याएं करते हैं उसकी आलोचना भी हुई है। सबसे पहले हम इसकी आलोचना की चर्चा करें तो गैब्रियल टार्डे नामक विद्वान ने कहा कि मैं ये मानता हूँ कि मेरे लिए समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज में जो वस्तु शेष रह जाएगी वो वस्तु नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अर्थात दुर्खिम ने जो व्याख्या की है वो तर्कसंगत नहीं की। उसने अपनी मर्जी से सामान्य तथ्य बता दिया, अपनी मर्जी से ही व्याधि के तथ्य बता दिया, इसका कोई ठोस आधार नहीं है। सामाजिक तथ्य की आलोचना करते हुए रेमंड एरन यह व्यक्तित्व देते हैं, उनका कहना है कि सामान्य तथ्य जो भी हैं उसमें बाध्यता और बाह्यता का यदि आधार देखें तो दुर्खिम ने इसकी कहीं भी कोई व्याख्या नहीं की है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने व्याधि के तथ्य को यदा कदा वाले व्यवहार के हिसाब से देख लिया, लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में इसकी व्याख्या करें तो कहीं ना कहीं यह सामाजिक तथ्य की अवधारणा अपूर्ण लगती है, अशेष लगती है। कहीं ना कहीं इसमें गुंजाइश है कि हम और समाजशास्त्रीय शोध करके इसमें नया कुछ जोड़ने का प्रयास करें, जैसे नव मार्क्सवाद नव प्रकारवाद परिशोधन का कार्य करता है, वैसे ही सिद्धांत में परिशोधन की आवश्यकता है। दुर्खिम के इस सिद्धांत की अवधारणा को वाइन नामक विद्वान ने भी आलोचना की दृष्टि से देखा। वो कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों की जो व्याख्या प्राणी शास्त्रीय और उपयोगितावादी आधार पर की गई है ये गलत है। इस व्याख्या के अंतर्गत सभी प्रकार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चर्चा नहीं की गई। इनका तर्क है कि जब सभी प्रकार की सामग्रियों की अपेक्षा करके अन्य तथ्यों के रूप में इसे प्रयोग किया जाता है या इसे स्वीकार किया जाता है तो ये सामाजिक तथ्य की असफलता ही है। रेनल्फ नामक विद्वान ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह निर्वचन की पद्धति के विरुद्ध है। अर्थात आप ऐतिहासिक पद्धति और तुलनात्मक पद्धति की जब बात करते हैं तो तुलनात्मक को ही क्यों चुनते हैं, ऐतिहासिकता को क्यों नहीं चुना, ये दुर्खिम के लिए एक नकारात्मक प्रश्न है। दुर्खिम समस्त साधनों को समाज में ही पाते हैं। अब एक तरफ वो कहते हैं समाज में समस्त साधन है और दूसरी ओर कहता है कि उन साधनों को प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, तो यहाँ इस आधार पर भी आलोचना की गई कि वो इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाए। इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी
हम तार्किक आधार पर कह सकते हैं कि सामान्य तथ्य और व्याधि के तथ्य भले ही विभाजन की रेखा स्पष्ट करें, लेकिन दुर्खिम की यदि कोई लोकप्रियता है, संपूर्ण विश्व में यदि वो पहचाना जाता है, तो वो सामाजिक तथ्य की अवधारणा के रूप में ही पहचाना जाएगा। अब एक प्रश्न है, क्या आत्महत्या सामाजिक तथ्य है या व्याधि के तथ्य है? विद्यार्थी शायद यह चिंतन कर रहे होंगे, आत्महत्या में प्राणों का नाश हो रहा है, व्यक्ति जानबूझकर परिणाम सामने रखता हुआ उस कृत्य को कर रहा है जिससे उसका जीवन का अंत निश्चित है, निश्चित रूप से व्याधि की होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सोसाइट केवल एक समाज में पाया जाता तो इसे हम व्याधि के तथ्य कहते हैं। लेकिन जो आत्महत्या की अवधारणा है, जो अहमवादी, परार्थवादी, या जिसे हम कह दीजिए व्यक्ति अपने आप को समाज के लिए विशिष्ट माने या समाज के लिए अपनी जान दे दे, भाग्य के आधार पर मृत्यु का आवरण कर ले, और विसंगत व्यवहार के आधार पर आत्महत्या कर ले, तो ऐसी स्थिति में ये सभी प्रकार के समाजों में अक्सर पाया जाता है। आप देखें विश्व के अनेक राष्ट्रों में अगर हम क्राइम डेटा का अध्ययन करें, विश्लेषण करें, तो आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है। अब उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज का व्यक्ति के ऊपर इतना दबाव बन जाता है कि वो अपने जीवन को नष्ट करने के लिए एक क्षण नहीं लगाता और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। अब अहमवादी में क्या है, जैसे इलिट ग्रुप के लोग होते हैं, बड़े बड़े अभिनेता, बड़े बड़े उद्योगपति, ये अपने अहम के कारण सामाजिक दूरियां बढ़ा लेते हैं। जब इनकी सामाजिक दूरी बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में अपने मन के विचार किसी को प्रकट नहीं कर पाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा वो अलग थलग पड़ के आत्महत्या को चुन लेंगे। परार्थवादी इसका जस्ट विपरीत है, व्यक्ति समाज को इतना महत्वपूर्ण मानने लग जाता है कि उस समाज के लिए जान दे देता है। उदाहरण के लिए, एक गांव में बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं हुई तो उस गांव में एक साधु रहता था, और उसने घोषणा कर दी कि अगली अमावस्या तक बारिश नहीं होती है तो वो जीवित समाधि ले लेगा। अब मेरा प्रश्न है, क्या जीवित समाधि लेने पर वो बचेगा? कदापि नहीं, उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी उसने जानबूझकर मृत्यु को आमंत्रित किया है, किसके लिए? पूरे गांव की खुशहाली के लिए, क्योंकि वो चाहता है बारिश होनी चाहिए। अगर बारिश नहीं होगी हठयोग के कारण, वो उस बारिश को लाने के लिए प्राणों को त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको अपनी धार्मिक प्रवृत्तियों पर इतना विश्वास है, अपने कर्म साधना पर विश्वास है, उसे लगता है कि उसके इस कठोर तप के कारण शायद बारिश हो जाएगी। तो यहाँ अगर बारिश नहीं होती है और वो जीवित समाधि ले लेता है तो परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में आएगा। विसंगत में व्यक्ति मन में कुछ विसंगति प्राप्त कर लेता है, सबसे पहले अलगाव को स्वीकार करता है, अरुचि से किसी कार्य करने लगता है, और इस तरह की अरुचि अलगाव को जब जन्म देती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को अलग थलग करके आत्महत्या जैसे कृत्य को करता है। भारत में एक उदाहरण है कि सामूहिक आत्महत्या किसान कर लेते हैं, जैसे गन्ना किसान, चावल उत्पादन करने वाले किसान, जब उनको उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलता तो उनको लगता है कि मरना ही उनकी नियति है, क्योंकि सरकार उनकी नहीं सुन रही, समर्थन मूल्य कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में मृत्यु को ही अपना भाग्य मानकर वो इस तरह का कृत्य करते हैं। तो ये चीज़ अलग अलग देश परिस्थितियों में कारण भले बदल जाए, लेकिन आत्महत्या पाई जाएगी, और ये आत्महत्या व्याधि के सामाजिक तथ्य के रूप में नहीं है, क्योंकि सभी जगह पाई गई है, इसे दुर्खिम सामान्य सामाजिक तथ्य मानता है। मुझे उम्मीद है इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थी सामान्य व्याधि के तथ्य को समझ पाए होंगे। हम लोग दुर्खिम वाली इस क्लास में श्रम विभाजन पढ़ चुके हैं, सामाजिक और व्याधि के तथ्य पढ़ चुके हैं। मेरा जो अगला व्याख्यान बीए थर्ड ईयर का होगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से 20 शब्द और 40 शब्द के प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, और उनकी विशद व्याख्या अगले व्याख्यान में मैं करूँगा। आप लोग इस वैश्विक महामारी का सावधानीपूर्वक सामना करें, जो गाइडलाइन दी गई है उसकी अनुपालना करते हुए घरों में रहें, और अपने अध्ययन कार्य को भी सुचारू रूप से गतिशील रखें। आपकी भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।